नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। भाइयों और बहनों, ये चुनाव जो है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का, गिरिराज जी के नाम के सामने कमल का निशान है, कमल के निशान पर आप बटन दबाकर जितने भी वोट दोगे वो सारे के सारे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आएंगे। भाइयों और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है पाकिस्तान की हरकतों को मुंह तोड़ जवाब देना। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है पाक प्रेरित आतंकवाद को समाप्त कर देना। इंडी अलायंस वाले कहते हम वापिस आएंगे तो ट्रिपल तलाक लाएंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इस देश में ट्रिपल तलाक रहना चाहिए क्या? जोर से बोलो, रहना चाहिए। ये कहते हैं हम वापिस आएंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे। अरे लालू जी, आपको वापिस आना भी नहीं है और पर्सनल लॉ आना भी नहीं है। पूरे देश में यूसीसी लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं हम वापिस आएंगे तो 370 वापिस लेकर आएंगे। अरे राहुल बाबा, पुश्ते लग जाएगी 370 वापिस लाने में। जब तक भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है, कश्मीर में तिरंगे को कोई नहीं हटा सकता। भाइयों और बहनों, मोदी जी के पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का विजन भी है। मोदी जी आने वाले दिनों में इस देश के गरीबों को ढेर सारी चीजें देना चाहते हैं। मैं जहां तक यहां की बात करूं भाइयों बहनों, गिरिराज जी ने एक क्षेत्र के लिए ढेर सारे काम करे। गंगा पर 6 लेन का पुल जो पटना जिले का ओंटा को बेगूसराय से जोड़ता है, उसका निर्माण चालू है। रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज का निर्माण चालू है। 1,22,000 गरीबों को गिरिराज जी ने घर दिया है। आयुष्मान भारत योजना 3,75,000 गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। 5,75,000 गरीबों को प्रति माह 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह नरेंद्र मोदी भेज रहे हैं। 4,20,000 बहनों को उज्ज्वला योजना का गैस का सिलेंडर नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। 4,75,000 घरों में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 1,20,000 किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मंसूर चक बछवाड़ा में 50 बेड का अस्पताल बनाया। विकलांग पेंशन योजना चालू की। ढेर सारे काम हमारे गिरिराज जी ने बेगूसराय के लिए किए। भाइयों और बहनों, मैं जब इस बार यहां आया हूं तब मुझे पूरा भरोसा है कि आप गिरिराज जी को जिताकर भेजेंगे, परंतु मैं आप सभी को विनंती करने आया हूं कि गिरिराज जी का मार्जिन ऐसा हो कि अगले बार ये लाल भाई जो है ना कम्युनिस्ट, पर्चा डालने की हिम्मत न करे, इतने मार्जिन से जिताना। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का ये चुनाव है। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा, लालू जी, ममता, उद्धव ठाकरे, लेलिन, स्टालिन, ये देश को संभाल नहीं सकते। एक मजबूत नेतृत्व चाहिए, पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए,
400 पार करा कर दीजिए, आपने 300 सीटें दी, मोदी जी ने 370 हटाया, ट्रिपल तलाक समाप्त किया, राम मंदिर बनाया, करोड़ों गरीबों को अपने जीवन स्तर उठाने का मौका दिया। इस बार 400 दीजिए, देश को दुनिया में नंबर वन बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मुझे बताओ बेगूसराय वालों, गिरिराज जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, माताएं बहने भी बोले, जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? बिहार की सभी सीट एनडीए को जिताओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो तस्वीरें आप देख पा रहे थे बिहार के बेगूसराय में, अमित शाह यहां पर चुनावी प्रचार को धार देते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस आई तो शरिया कानून लागू होगा, मैनिफेस्टो को ले